वहीं गाजियाबाद में हालात पूरी तरह से सामान्य बताए जा रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं 36 घंटों के बाद एक बार फिर से शुरू की गई है। संवेदनशील इलाके जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा बना हुआ है। बवाल के मामले में 3600 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। रात भर पुलिस ने घरों की तलाशी ली। सपा के जिला अध्यक्ष राशिद मलिक जिनका नाम है उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल राशिद मलिक पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से गौरव यादव लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, गाजियाबाद में हालात बेशक सामान्य इस वक्त कहे जा रहे हो, लेकिन वहां पर क्या कहा जाए? जिस तरह से बवाल मचा, जिस तरह से तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 3600 लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने की बात कही जा रही है, कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है, प्रदर्शनकारियों को क्या थामा जाएगा ऐसे में? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में पूरा माहौल पुलिस के कंट्रोल में है। तकनीकी खराबी की वजह से गौरव की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनके साथ तमाम लोग मौजूद नजर आए थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से फिलहाल आपको बता दें कि गाजियाबाद में हालात आज सामान्य कहे जा रहे हैं। हमारी गाजियाबाद के SSP सुधीर कुमार सिंह से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हालात सामान्य है और अब हालात को और अधिक बिगाड़ने की कोशिश अगर प्रदर्शनकारियों की तरफ से होती है तो उसके लिए भी पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है, पूरी तरह से तैयार है। रात भर पुलिस ने तमाम घरों की तलाशी ली। सपा के जिलाध्यक्ष राशिद मलिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और केस दर्ज करने के साथ साथ उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने भीड़ को भड़काने की कोशिश की, वहां उपस्थित तमाम प्रदर्शनकारियों को भड़काने की कोशिश की, और जिसके मद्देनजर अब जल्दी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जाएगी। इंटरनेट सेवाओं की बात की जाए तो फिलहाल 36 घंटों के बाद एक बार फिर से गाजियाबाद की इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई है। और जो बवाल मचा था, जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया गया था, उसमें 3600 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इन लोगों में सपा के जिला अध्यक्ष राशिद मलिक का नाम भी सामने आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्थानीय नेतागण लोगों को भड़का रहे हैं ताकि अपने राजनीतिक हित साध सके।